हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंचन शिप्रा। आज का न्यू टॉपिक है रोमन नंबर्स। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक में हम क्लास सिक्स रोमन नंबर के एक्सरसाइज 1G भी कवर कर लेंगे और इस टॉपिक को फटाफट से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, कुछ बेसिक रूल्स हैं। फिलहाल रूल वन मैंने लिखा हुआ है, रोमन नंबर्स रोमन न्यूमरल हम कैसे लिखते हैं। ये वन लिखा है, वी फाइव लिख, वी का मीनिंग क्या होता है, फाइव होता है। आई का मीनिंग क्या होता है, वन होता है। और एक्स का मीनिंग 10, एल का मीनिंग 50, सी का 100, डी का 500 और एम का 1000। ठीक है, ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसी को हम हिंदू अरेबिक में कैसे लिखेंगे, जो भी हम नंबर्स फॉर्म में लिखते हैं वो हिंदू अरेबिक फॉर्म होती है। ठीक है, तो हिंदू अरेबिक में हम कैसे लिख रहे हैं, ये आई क्या हो गया 1, वी क्या हो गया 5, एक्स क्या हो गया 10, एल 50, ऐसे ही आगे। ठीक है, अब इसका क्या है, रूल वन क्या कह रहे हैं, ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड। यानी हमारे कौन कौन से नंबर रिपीट होते हैं, हो सकते हैं, एक हो जाएगा आपका आई, एक सेकेंड, चलिए कहाँ पे थे हम, ओनली आई एक्स सी एम कैन बी रिपीटेड, यानी आई एक्स सी और एम कैन बी रिपीटेड। यानी आई को हम लिख सकते हैं एक्स को रिपीट करके, सी को, एम को। वी एल डी आर नेवर रिपीटेड, जो बच रहा है हमारा वी एल डी, ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होंगे। नो सिंबल इन रोमन कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 times। यानी जो रोमन में जो भी नंबर लिखा है वो 3 times से ज़्यादा रिपीट होगा नहीं। और कौन कौन से नंबर्स हो रहे हैं रिपीट, आई एक्स सी एम, यानी 1, 10, 100 और 1000, ये रिपीट हो रहे हैं। लेकिन ये रिपीट भी कितने टाइम हो सकते हैं, 3 times से ज़्यादा नहीं रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूल वन था। चलिए फटाफट से नेक्स्ट रूल भी देख लेते हैं। चलिए रूल टू देख लेते हैं हम लोग। रूल टू क्या कह रहा है हमारा, वी एल एंड डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। यानी कौन सा आपका, वी एल डी नेवर सब्ट्रैक्टेड, मतलब वी एल और डी को हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं ना, साथ में लिख देते हैं वी एल या डी को सब्ट्रैक्ट में, तो वो आंसर गलत हो जाएगा आपका। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। यानी आई जो है हमारा, आई जो है वो किससे किससे सब्ट्रैक्ट होगा, वी यानी 5 से और एक्स से। ठीक है, एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। एक्स किससे किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एल और सी से, यानी 50 और 100 से। ठीक, अब C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M ओनली। किससे C किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, D और M से। ये सारे ये रूल्स आपको जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट रूल। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम, एक्सरसाइज हम कौन सी ले रहे हैं, हमने कौन सी एक्सरसाइज, चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, हमने कौन सी लिया है, एक्सरसाइज 1G। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है हमारा RS अग्रवाल बुक से। चलिए क्वेश्चंस इसके लिख दिए हैं मैंने कुछ। क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रोमन न्यूमरल। यानी हमें इन नंबर्स को रोमन में लिखना है। ठीक है, तो बहुत इजी है ये। ये क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2 को हम कैसे लिख रहे हैं, आई, क्या लिख रहे हैं हम 2 को, आई। तो हम आई कैसे लिखेंगे पता ही है हमें, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 2। ठीक, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, वो क्या लिखा है, 8। अब हम 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट आई को हम रिपीट कर सकते हैं नहीं। ये पता है आपको कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि हम कोई भी नंबर को 3 times से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो आई लिखने के लिए हम, 8 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5। 5 के बाद हमको क्या लिखना है, 6, 7, 8। ये क्या हो गया हमारा, रोमन हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा है हमारा, रोमन में क्या लिख दिया हमने, 5, 6, 7, 8 हो गया हमारा। अब क्या लिखा है यहाँ पे, 14। अब 14 क्या है, 14 के लिए फिर वही हम क्या, इसको वी प्लस आई 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 हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या है, वी को तो हम रिपीट ही नहीं कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये पता है आपको। तो हम इसके लिए हम क्या नंबर उठाएंगे, पहले 10। 10 का क्या लिखा है, एक्स, तो एक्स ये हो गया 10। फिर क्या लिखेंगे अब हम इसके लिए, क्या लिखें 14 के लिए, 4 कैसे लिखा जाता है रोमन में पता है हमें, 5 से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा रोमन में 4 हो जाएगा वो। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 1, 4,
14, ये हो गया हमारा 14। अब क्या नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 29। अब 29 लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, 20 यानी हम x को 2 टाइम्स लिख रहे हैं, 10 और 10 ही हो गया हमारा 20। अब क्या बचा हमारा 9, 9 आपको पता हो, याद हो हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कैसे 9 को कैसे लिखा जाता है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो हमारा 9 बन जाता है। तो यानी 10 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट करा, जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 29। अब क्या बचा हमारा 36। अब 36 के लिए कोई भी नंबर को हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो x को हमने 3 टाइम्स लिखा, 1, 2, 3, ये हो गया 10, 20, 30। अब क्या बचा 6, 6 को हम कैसे लिख रहे हैं, 5 और 1, 6, ये हो गया हमारा 36। अब यहाँ पे क्या है 43। अब 43 को कैसे लिखेंगे हम, 40 + 3, ये हो जाएगा हमारा 43। तो हम 43 लिख ले रहे हैं फटाफट से, कैसे लिखेंगे अब हम बताइए, रूल्स आपको थोड़ा बहुत याद हों, अगर नहीं याद हैं तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। 40 के लिए हम 50 - 10 करेंगे तो 40 बन जाता है, जिसको हम कैसे लिखते हैं, x और l, ये हमारा 40 होता है, और क्या है 3, 1, 2, 3, ये हो जाएगा हमारा 43। ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर हम रिपीट में 3 टाइम से ज़्यादा नहीं करते हैं, अगर हम इस नंबर को एक्स 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 लिखेंगे तो ये 40 हुआ, लेकिन हम कोई भी नंबर 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम 50 - 10 करते हैं तो ये हो जाएगा 43। ठीक है, अब क्या बचा हमारा 54। अब 50 हम कैसे लिख रहे हैं एल, तो एल हमने लिख दिया, और 4 तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, ये हो गया हमारा 54। ठीक, अब क्या है 61। 61 के लिए हम कैसे लिखेंगे, 60 + 10 = 61 हो गया। अब क्या है 73 के लिए 50 60 71 2 3 73। अब क्या है हमारा 81, फिर वही करेंगे हम 81 के लिए 50 60 70 80 और 1, ये हो गया हमारा 81। ठीक है, चलिए इसके फटाफट, ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1। हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेते हैं 1G का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स लिख दिए हैं मैंने, इसमें भी यही करना है हमें, रोमन न्यूमरल में बताना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या लिखा है 164। अब 164 के लिए हम क्या करेंगे, 164 तो हमारे पहले वहाँ 100 है, तो यानी 100 का लिखना होगा हमें, सी 60 है तो यानी पहले एक 50 लिखना पड़ेगा, एल और एक्स, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या है ये 50 + 10 यानी 160 हो गया। अब बचा हमारा 4, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, ये हो गया 5 - 1 = 4। अब क्या है 195। अब 195 को कैसे लिख रहा है वो, सी यानी 100 हो गया, फिर क्या करा उन्होंने, एक्स और सी होता है हमारा 90, यानी 100 में से हमने एक्स को माइनस कर दिया तो 90 बन गया ये। अब हमारा क्या है 5 यानी वी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए 195। अब 226, अब 226 को कैसे लिखेंगे, 100 + 100 = 200 हो गए, 20, 10 और 10 = 20 हो गए, और ये हो गया 626, वो 226। अब क्या है 341, 100, 200, 300, ये हो गए हमारे 300, एक्स एल यानी ये हो गया 40, और ये हो गया आई यानी 1341। अब क्या है नेक्स्ट 475, 475 को कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, 475 के लिए यानी 400 लिख रहे हैं तो हम 500 में से 100 माइनस करेंगे, यानी डी से माइनस करना है हमको सी, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सी डी यानी ये हो गया हमारा 400। अब क्या है एल 50 हो गया, यानी 450 हो गया। अब बचा 25, 10 और 10 = 20, और वी 5, ये हो गया हमारा 25। ठीक है, तो 475। अब हमारा क्या बचा 596, तो 596 के लिए हम क्या लिखेंगे, ये हो गया हमारा 500। ठीक, फिर एक्स सी यानी 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, पता है आपको 100 में से 10 माइनस करते हैं तो वो 90 हो जाता है, फिर 6 यानी ये हो गया 5 और 1 6। ठीक है,
आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, रोमन समझ में आया होगा कि कैसे रोमन्स के नंबर्स हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमने रोमन में देखा है, फटाफट से इसी वीडियो में हम हिंदू अरेबिक न्यूमरल भी देख लेते हैं, जिससे सारे रोमन को लेके आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। चलिए करते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, वो क्या कह रहा है आपसे। अब तक हम रोमन नंबर नॉर्मल नंबर्स को रोमन में लिख रहे थे, अब क्या है नंबर हमारे पास रोमन में लिखा है और उसको हमें क्या करना है हिंदू अरेबिक में, यानी नंबर इस फॉर्म में लिखा है और इसको इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं मैंने। चलिए ये क्या लिखा है आपका, एक्स प्लस एक्स, तो यानी एक्स और एक्स यानी 20 हो गया, ये तो बात आपको पता चल रही होगी कि ये क्या है 20। अब क्या है 5, यानी ये प्लस 5 हो गया, और क्या है 2, सबको ऐड कर दीजिए क्या आया 27, ठीक है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही लिख लेंगे इस नंबर को, आपको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे नंबर ईजिली लिख लेंगे। अब क्या है 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी क्या हो गया 30, और ये क्या लिखा है हमारा 4, तो यानी क्या हो गया यहाँ पे 34, ठीक। अब क्या लिखा है ये x और l, मैंने आपको बताया था कि 50 माइनस 10 यानी वो 40 होता है, और 40 को हम हमेशा कैसे लिखते हैं x और l में, तो x और l यानी ये 40 हो गया प्लस 5, तो ये क्या हो गया 45, ठीक। अब लास्ट में हमारा क्या लिखा है l और I और V, यानी ये क्या है L माने 50 और ये क्या लिखा है 4, ये तो पता ही है आपको, तो ये क्या हो गया 54, ठीक है। समझ में आया आपको, चलिए आई होप मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और रोमन नंबर ईजिली आपको एक्सप्लेन करे हैं मैंने। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये टॉपिक रोमन नंबर्स का ख़त्म हो गया और इसी के साथ RS अग्रवाल की 1G एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।